अस्सलाम वालेकुम, मुबीन चौधरी फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक न्यू व्लॉग लेकर आया हूँ। सबसे पहले जुमा मुबारक। आज जुमे वाला दिन है क्योंकि सोमवार, मंगल, बुध और जुमे रात तक मैं था काम पे, कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि शाम टाइम वापस घर आता था। उसके बाद खाना खाया, फिर सो गया। सुबह 5:30 उठकर फिर काम पे। इस तरह पूरा हफ्ता एक गुजर गया है। तो आज मुझे छुट्टी है, तो इंशाल्लाह जुमा पढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। मौसम तो बहुत प्यारा है। एक और चीज़ आपको दिखाऊं, पाकिस्तान में तो आपको पता है, ये आप गाड़ी देख रहे हैं ये वाली, पाकिस्तान में आपको पता है रूढ़ियाँ वगैरह इस तरह की होती हैं, कचरे वगैरह, जो कचरा वगैरह हम घर का फेंकते हैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली इस तरह के जो साक होते हैं उनमें घर का कचरा डालते हैं। और ये हर दिन एक स्पेशल गाड़ी आती है, वो घर से घर के बाहर आती है और ले जाती है। तो ये है एक बेनिफिट। ऐसा मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में भी हो, लेकिन बेसिकली हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी ऐसी कौम है, अगर मोटरवे पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं तो केले वगैरह खाते हैं, छील के बाहर फेंक देते हैं। इस तरह के हम नहीं यार सुधर सकते क्या, हम खुद गलत हैं, दूसरों के क्या बोले। तो फिलहाल अभी मैं नाश्ता करने लगा हूँ। यार एक और बंदा, आपको एक ही मिनट जो है, एक मिनट बात सुनना, वेट हो रहा है। फिलहाल मैं, आप देख सकते हैं 9 बजे नहा धोकर से, ये है चौधरी जावेद वड़ाई साहब, मेरे बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने भी चैनल बनाया यूट्यूब का, किस नाम से आप बताएं खुद? जट वड़ाई से। जट वड़ाई इनका चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो अभी तो आपने एक वीडियो अपलोड की है? अभी एक की है, एक वीडियो अपलोड की है, क्योंकि ये मैं वीडियो बनाता हूँ तो इन्होंने मुझे देखा है, तो इन्हें भी जज्बा आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको पता है यार। तो ये कहते हैं कि मैंने भी चैनल बनाना है, देखना है क्या सिस्टम है, क्या माहौल है, किस तरह गपशप। तो ये भी इंटरेस्टिंग रखते हैं। तो बात है कुछ और है तुम्हारे चैनल की, हमने तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। मैं भी भाई एंजॉय कर रहा हूँ बस। मैं ये जो मेरे फैन है, मैं तो इनको डालते हो तो बेसिकली आप इनका चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, देखें कैसी वीडियो। एक वीडियो फिलहाल तो अपलोड हुई है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब क्योंकि पहले दिन मैंने भी जब वीडियो बनाई थी ना, मैं भी शर्मा जाता था, कोई बात वगैरह नहीं होती थी। तो बेसिकली अगर अगर आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप जब आप शादी पे जाते हैं ना, आपकी तरफ जब कैमरा आता है ना, बेसिकली वो नॉर्मल कैमरा होता है, बंदे खाना छोड़ देते हैं, ये तो एक कैमरे के सामने बात करनी होती है, बंदे के अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा आगे चलता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अभी हम नाश्ता करवाएंगे ना, मैं तो अभी जाता हूँ, देखिए अभी सुबह हो रही है हमारी, सुबह के 9 बज चुके हैं, तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह जुमा पढ़ते हैं। कैमरा उठा लिया, मैं तो अभी उठाऊँ, देखे ये इसने नहा भी लिया, मैंने भी नहा धोकर फ्रेश हो गया। तो भाई व्लॉगिंग करनी है, जज्बा आना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद और आपको दिखाते हैं दिन कैसा गुजरता है। तो अभी मस्जिद के पास तो मैं पहुंच चुका हूं, क्योंकि पहले मैं गया था एक और काम किया है, उसके बाद अब मस्जिद आ गया, वजू शुजू कर लिया है, गर्मी वजू तो मैंने गर्मी कर लिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रश ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए। तो इस साइड पे मस्जिद है, इस साइड पे, तो इंशाल्लाह अब नमाज पढ़ते हैं, तो फिर बाद में मुलाकात होती है। अभी मैंने गाड़ी भी दुनिया की गंदी हो चुकी है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था और बारिश वगैरह, तो इस तरह का कुछ मौसम था, तो मुकम्मल साफ़ होने वाली है। तो उसके बाद फिर मिलते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। जुमा तो मैंने पढ़ लिया, इस वक्त अभी मैं मौजूद हूँ औतुल वाज पे, कार वाश। तो आप देख सकते हैं गाड़ी मैंने पीछे पार्किंग लगा दी है, अभी यहाँ से मैं गाड़ी दूँगी जनाब। तो पहले अब आपको दिखाता हूँ, पहले मैंने चक्के साफ किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गंदे हो चुके थे। तो आपको पता जब रोडी गाड़ी रोड पे चलती है तो मिट्टी इतनी ज़्यादा चक्कों पर पड़ जाती है कि वो ब्लैक, ज़्यादा ब्लैक हो जाती है मिट्टी, जैसे मिट्टी का कलर होता है। तो फिलहाल इनको पहले मैंने साफ़ किया है, अभी देख सकते हैं आपको ब्लैक नज़र आ रहे होंगे। तो सफ़ेद गाड़ी और ब्लैक चक्के हैं, तो बहुत ही अच्छा इनका कॉम्बिनेशन हुआ है। तो फिलहाल मैं गाड़ी धो लूँ, तो आप मेरा वेट करें थोड़ी, उसके बाद आगे वीडियो बनाते हैं, और पीछे देख रहे हैं दूसरा बंदा धो रहा है। तो फिर मिलते हैं एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि कल मैंने यार जाना है रूमा, जो कैपिटल शहर है, एयरपोर्ट पे जाना है, कुछ पाकिस्तान से मेहमान आ रहे हैं उनको लेने, तो
इसलिए मैं कह रहा हूँ गाड़ी थोड़ी गंदी है तो वैसे भी धो लें, तो ये ना देखे पाकिस्तान से ये कैसा इटली है यार बार गंदी गाड़ी है। तो चलो ठीक है, मैं फिर गाड़ी साफ कर लेता हूँ। फाइनल गाड़ी तो मुकम्मल साफ हो चुकी है, एक मुकम्मल आपको दिखाता हूँ, चेक करें। अभी वैसे एक और चीज़ अभी रहती है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े दाग शीशे में तो नहीं नज़र आ रहे होंगे कैमरे में, ये ना अभी स्पेशल जो लिक्विड होता है ना जिसके साथ शीशे साफ़ करते हैं उसके साथ ये साफ़ करूँगा। लेकिन बेसिकली 5 बजे मैंने 4:30-5 बजे जाना है डॉक्टर के पास, तो लेट हो रहा हूँ, ये मैं बाद में साफ़ करूँगा। तो फ़िलहाल इसकी सफाई यहाँ पर ख़त्म कर दें, फिर बाद में जब फारग होऊंगा उस वक्त ये कर लूँगा, क्योंकि अभी भी मुझे ना ये दाग नज़र आ रहे हैं कैमरे में, इतनी खैर मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप मेरी आंखों से देखेंगे तो आपको भी नज़र आएंगे। चलो ठीक है, क्योंकि कल यार मैंने जाना है रूम, 7 बजे घर से निकलूँगा, तो तकरीबन 3-4.5 घंटे का सफ़र है, जिस तरह आप समझें मंडी बोलदीन से इस्लामाबाद जाना इतना सफ़र है तकरीबन। तो बेसिकली कल वो सफ़र आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अभी यार एक अपॉइंटमेंट है वहाँ पर, मेरा नंबर तो है TES 1650, अभी आपको दिखाते हैं। तो TES 1635 भी चल रहा है, यानी 15 बंदे ना वो हमसे आगे हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो इस व्लॉग में आज हमारा है दूसरा दिन, सुबह के भाई 7 बज रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कोई सूरज भी निकला, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ रूमा, इटालियन में रूमा बोलते हैं, इंग्लिश में रूम, और ये इटली का कैपिटल शहर है। मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ फिलहाल, तो एक और दोस्त साथ, उसको भी लेना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि मैं वो मुझे कॉल करता रहा, मैं उस वक्त मेरे ख्याल से या बाथरूम में था या मैं नमाज़ पढ़ रहा था। तो अभी मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा चलो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, तो वो बोला कि मैं आपका वेट करता हूँ। तो अभी हम गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं, जो कल हमने भाई साफ़ कर ली थी। तो आज मेरे ख्याल से मौसम थोड़ा ख़राब है, बादल बने हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इंटरनेट पे बताया जा रहा था कि आज हो सकता है बारिश हो। तो अभी फ़िलहाल मैं उस जवान को देता हूँ, मुजाहिद को, तो फिर आगे सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बारिश शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं बारिश हो गई है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, ये एक ऑटो ग्रिल है, अभी तक सफ़र हमारा जारी है, रूमा की तरफ जा रहे हैं, ये हमारी गाड़ी, तो ये हमारे नवीद भाई। नवीद भाई आपको सलाम देना चाहेंगे। जी वालेकुम सलाम, अपनी पंजाबी भाई तो गल कर। जी वालेकुम सलाम। सलाम अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप, सब ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, ये अपने मुबीन भाई हैं। तो हम जो है ना रूमा जा रहे हैं, तो उधर अपने एक दोस्त आ रहे हैं, उनको लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो अभी बस कुछ यानी के आधा घंटा जो है ना वो तकरीबन है, तकरीबन एक घंटा दो घंटे हमारे अभी और सफ़र है, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। तो नवीद भाई बहुत ही खुश मिजाज के बंदे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र करने का, गप शप लगा रहे हैं, मजाक वगैरह, बंदा बोर बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली कोई साथ होता है ना तो नींद वगैरह आ जाती है अगर बंदा बात याद ना करे, तो बहुत ही खुश मिजाज के हैं, बहुत गप शप लगाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर एयरपोर्ट पे चलते हैं, वहाँ पे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे, या बैग देख सकते हैं यहाँ पर अराइवल फ्लाइटें वगैरह आएंगी। तो ये साहबजादे हमारे साथ हैं, अभी चुप हो रहा है, कोई गाल बात चला यार, बहुत ही फनी बंदा है, बहुत गप शप लगाई है, सफर का पता ही नहीं चला हकीकत में, हकीकत बात। तो बहुत इंजॉय किया फिलहाल, अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि 11:03 पे फ्लाइट जो है ना वो पहुंच गया, लेकिन बेसिकली टाइम था 11:25 था मेरे ख्याल से, तो 10-20 मिनट पहले आ गई है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, ये हम हैं और ये नवीद साहब है। कोई पैगाम भाई? नहीं
अच्छा पहले नहीं, पहले जो वीडियो बनाई है नवीद भाई का दिल कर रहा था कि एक और वीडियो बनाएं, क्योंकि ये बहुत खुश हुए, इनको पता चला कि ये वीडियो YouTube पे जाएगी, तो दिल से बहुत खुश हुए हैं। बिल्कुल। कोई अल्फाज आपके? नहीं अल्फाज तो अभी अल्फाज खत्म, जब कैमरा बंद था इनके पास बहुत सारे अल्फाज थे, अभी कुछ भी नहीं बोल रहे। अभी तो बस एयरपोर्ट पे आ गया, बस अभी तो अपने जो जिनको लेने आए हैं बस, अभी दोस्तों का इंतजार हो रहा है, दिल से बहुत खुश है। तकरीबन कितने साल बाद मिले उनसे? बस तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। 8 साल बाद मिलने वाले हैं अपने दोस्तों को, तो बंदा आप बता सकते हैं कितनी खुशी हो सकती है। तो अभी इस वक्त मैं घर पहुँच चुका हूँ, टाइम हो चुके हैं 12, रात के 12 बज चुके हैं। शहजादी पार्किंग लगा दी है, ये चाबी, रोड बिल्कुल साफ, ये मेरा घर। तो अभी घर चलते हैं, वीडियो एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, ढेर सारा प्यार, जितने भी मेरे फ़ैन हैं सब, जो भी वीडियो मेरे देखते हैं, दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर ज़रूर, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि मेरे दोस्तों ने भाई वीडियो लाइक किया है, पसंद किया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।